बुधवार से बैठे नाबालिग बेटे की बरामदगी को लेकर एसएसपी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे परिवार को आज लोक जनशक्ति पार्टी के शीर्ष नेता ने भी आज परिवार का समर्थन देते हुए आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि पीड़िता कुमकुम की पुत्री शोभिता 7 माह पूर्व से लापता है, जो अपनी नानी के घर से काशीराम नगर बी ब्लॉक मकान नंबर 117 ट्रिपल स्टोरी मुरादाबाद से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी। देर समय बीत जाने के बाद भी जब पुत्री घर वापस नहीं लौटी तो बच्ची के परिवार वालों ने थाना मझोला में इसकी शिकायत दर्ज करी। पीड़ित के परिवार का कहना है कि इतने लंबे समय से एफआईआर होने के बाद भी अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जानकारी देते हुए बच्ची की मां ने बताया कि आज मझोला थाने के थाना अध्यक्ष मुकेश शुक्ला ने धरने स्थल पर आकर अपराधी के 2 सहयोगी की गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी और आश्वासन दिया कि मुख्य अपराधी को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्ची की मां का कहना है कि उसे कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, अगर उसे कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पीड़ित परिवार की मांग है कि उनकी नाबालिग पुत्री को जल्द से जल्द बरामद किया जाए और विष्णु शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी हाथ जोड़कर ये निवेदन है, मैं सबसे बहुत से प्रार्थना कर रही हूँ, जब तक मेरी बेटी यहाँ से बरामद नहीं होगी, नहीं दिया जाएंगे, जब तक मैं अपने धरना स्थल से नहीं उठूंगी, रात में भी और दिन में भी, चाहे ये महीना लें चाहे ये 2 साल लें, मुझे ये कह के हर बार टाला गया है और टालते रह रहे हैं। 7 महीने से एसएसपी चक्कर और हर चीज में लगाते लगाते परेशान हो चुकी हूँ, जिसमें से सहयोगी है। मैंने से पुलिस आई, आपसे क्या कह रही है पुलिस? आई मांग मांगी है पुलिस, मुझसे ये कह रही है हमने से सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है और मैं जो हूँ यहाँ से धरना स्थल छोड़ दूँ, मैं सहयोगी से गिरफ्तार करने के सिवा मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे अपनी जल्द से जल्द बेटी की बरामदी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे रातों दिन प्रेशर बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि रात में मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि मैं छोटा बच्चा, जिससे मुझे रात में पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं दिया जा रहा है। मैं अपने 4 लोग अपनी माँ के संग में रात में भी मैं यहीं रहती हूँ, जिससे कि मेरे संग अगर कोई दुर्घटना घटती है या कुछ भी घटती है, मैं इस कार्यालय के सामने बैठी हूँ, उसका जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। शुक्रवार को पीड़ित परिवार को लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना समर्थन दिए जाने की घोषणा की और पीड़ित परिवार के शीर्ष नेता डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर धरना स्थल पर बैठ गए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर ने बताया कि देखिए, मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र काशीराम नगर चौकी क्षेत्र काशीराम नगर से वहाँ से एक 13 वर्षीय बच्ची का जो बरामद नहीं कर पाई है पुलिस अभी तक, वो लगभग करीब 10/1/2021 से लापता है, जिसको पीड़िता महिला ने भी बताया है कि उनको नाम भी लिए हैं और उसको पुलिस ना गिरफ्तार कर रही है ना ही बच्ची को बरामद कर पाई है, जिसके लिए पीड़िता के साथ हम लोग कलेक्ट्रेट मुरादाबाद पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बच्ची को जब तक पुलिस बरामद नहीं करती, पीड़िता का कहना हम यहीं बराबर बैठे रहेंगे और हम लोजपा समर्थन देते रहेंगे उसको। लोजपा महिलाओं के सम्मान में आई है मैदान में यह। अब हम ये चाहते हैं कप्तान साहब से, ये हमारा आग्रह है कि जो है बच्ची को बरामद करें जल्द से जल्द और उनके माता पिता को सुपुर्द करें, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ये हमारी मांग है।